मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चावल की खीर बनाना बहुत इजी। ये खीर बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है। चलो शुरू करें। बड़ा बासमती चावल को अच्छे से धो लेना है। यहाँ पे टुकड़ा राइस का यूज किया, इससे खीर बहुत क्रीमी बनती है। ये पैन में घी डाल के धोए हुए चावल अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्टेड चावल में 2 कप दूध मिला के आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। अभी भिगोए हुए चावल को मिक्सी में ऐड करके फाइन पेस्ट बनानी है। अभी एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध और 1 कटोरी चीनी को मिला के 1 मिनट तक चलाते रहे। अभी दूध को एक उबाल आने तक छोड़ दे। राइस पेस्ट को दूध में ऐड करके चलाते रहे। एक गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी आने पे गैस बंद कर दे। इलायची पाउडर ऐड कर एक पैन में काजू को घी में रोस्ट करना है। इन्हें आपकी खीर में ऐड कर दीजिए। आपकी खीर तैयार। ये खीर बहुत यम्मी बनती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।